तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक मैंने आपको बताया था, जो टॉपिक चल रहा था आपका, ठीक है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड या नॉर गेट। तो ड्रॉ द लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड गेट या नॉर गेट, उससे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। कुछ स्टेप्स मैंने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम यूजिंग नैंड गेट ऑब्लिक नॉर गेट, ठीक है। उसके स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, वो स्टेप फॉलो करना है और हमें सर्किट बनाना है नैंड या नॉर से जो दिया होगा मैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग ओनली नैंड गेट। प्रॉब्लम है आपके पास, इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग यूजिंग नैंड गेट ओनली। अब देखिए आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ इक्वल टू ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू सी का होल बार और इंटू डी। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको आपको इंप्लीमेंट करना है बुलियन फंक्शन यूजिंग नैंड गेट ओनली। सिर्फ नैंड गेट से आपको इसको डिजाइन करना है, ठीक है। पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा, इसको हमें पहले बेसिक्स गेट से बनाना है सर्किट को एंड ऑन नॉट से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, एंड ऑन नॉट से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हम कैसे बना रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले और फिर डी को लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले आप देखिए, ये है ए प्लस बी, ए प्लस बी के लिए कौन सा गेट आता, और गेट, तो देखिए ये आ गया, यहां पे मिल गया ए प्लस बी। अब देखिए अभी हमारे पास पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, उसे भूल जाइए, ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी का सी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, एक तरह से प्रोडक्ट है, तो उसके लिए कौन सा गेट आएगा, एंड गेट। तो देखिए ये आया एंड गेट, ए प्लस बी यहां से आ रहा और सी एक और है, तो यहां पे देखिए हमने सी दे दिया, तो ये मिल गया ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, देखिए बन गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ए प्लस बी बना लिए, फिर एंड करना था इसका, तो ए प्लस बी को सी के साथ एंड। अब देखिए ये पूरा हमारा बन गया, इस पूरे का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, इन्वर्ट, मतलब एक इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर लगा दिया हमने, तो यहां पे क्या मिल गया हमें, ए प्लस बी इंटू सी का होल बार। फिर इस पूरे का इसके साथ क्या है, एंड प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, एंड गेट लगेगा, तो यहां पे एक एंड गेट, ये, और यहां पे मैंने एक इनपुट क्या दे दिया, डी, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का बी इंटू सी का होल बार और इंटू डी, ये बन गया। पहला स्टेप हो गया, पहले स्टेप में हमने क्या किया कि इस जो हमें बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बुलियन फंक्शन, इसको हमने क्या किया, बेसिक गेट से ड्रॉ कर लिए सर्किट एंड ऑन नॉट से। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, इस वाले बड़े ब्रैकेट को, इसमें हमने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसमें आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी है, तो हमने ए प्लस बी के लिए कौन सा गेट आएगा, और गेट, उससे बना लिए। अब ए प्लस बी का इसके साथ क्या होगा, एंड, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो इसके साथ एंड हुआ, तो ए प्लस बी एंड गेट लगेगा, तो ए प्लस बी यहाँ से आ रहा और सी एक और इनपुट, तो ए प्लस बी इंटू सी। अब इस पूरे का क्या करना था, बार है, मतलब कौन सा गेट आएगा, इन्वर्टर, इन्वर्टर लगा दिए, तो ए प्लस बी इंटू सी का होल बार, ये आ गया। अब इस पूरे का आप डी के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी एक एंड गेट आएगा, तो ये पूरा एक एंड गेट लिए, तो ये एक इनपुट हो गया ये पूरा, और दूसरा क्या, डी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप हो गया,
दूसरा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अब हमें किससे बनाना है, नैंड गेट से। नैंड में हम लोग क्या करते हैं, नैंड गेट से अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो नैंड गेट से इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एंड के आउटपुट पे बबल लगाते हैं और के इनपुट पे, ठीक है। ये और गेट है तो और के इनपुट पे लगाएंगे बबल, जितने इनपुट होंगे उतने बबल लगाएंगे। ये देखिए दो बबल लग गए, यहाँ पे इनपुट पे लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ। देखिए ये है एंड गेट, यहाँ आउटपुट पे एंड है, तो यहाँ पे ये इनपुट जैसे था उसको हमने वैसे ही रख दिया। एंड के क्या करेंगे, आउटपुट पे बबल लगाएंगे, तो आउटपुट पे बबल लगा दिए, ये इन्वर्टर जैसे था वैसे ही रहने दिए। उसके बाद फिर एंड गेट है, तो ये इनपुट गया और ये एक और इनपुट, और ये भी एंड गेट है तो इसके आउटपुट पे पावर लगा दिए, ये आ गया। हमने इसको मान लिया वाई, एफ है तो एफ। दूसरा स्टेप समझ में आ गया, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, बेसिक गेट से बना लिया। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया कि जहां जहां एंड गेट है उसके आउटपुट पे बबल लगा दिए, और जहां और गेट है उसके इनपुट पे बबल लगा दिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप आपको ध्यान होगा, थर्ड स्टेप नॉर लिखा था मैंने, लेकिन नॉर नहीं, हम लोग नैंड से बना रहे हैं। आते हैं फोर्थ स्टेप, फोर्थ पे क्या, जहां जहां हमने इन्वर्ट बबल लगाया वहां पे क्या करेंगे, इन्वर्टर ऐड कर देंगे उस लाइन में, क्योंकि ये इनबैलेंस हो गया है तो अनबैलेंस को हमें करना बैलेंस, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टर, यहाँ पे देखिए इन्वर्टर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया। जैसे था वो वैसे ही, यहाँ पे देखिए बबल है तो यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा देंगे, यहाँ पे बबल है तो यहाँ पे भी एक इन्वर्टर लगा देंगे, जैसे इनपुट था वैसे ही दे दिए। आगे आते हैं, ये गेट, यहाँ पे बबल लगा हुआ है, तो बबल लगा है तो यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ेंगे बैलेंस करने के लिए, जो इन्वर्टर जैसे था उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इनपुट ऐसे ही था वैसे ही रख दिए सी, ये यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक नैंड गेट बनाए, इनपुट जैसे था वैसे ही रख दिए, यहाँ पे आप देखिए एक इन्वर्टर जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, बबल लगाए तो इन्वर्टर आएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप हम बनाते हैं, फोर्थ स्टेप, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, ध्यान रखना। अगला स्टेप हम देखते हैं, तो थर्ड स्टेप समझ में आया, जहां जहां बबल था वहां पे मैंने क्या किया, इन्वर्टर ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए ये डबल इन्वर्टर है, इसको इलिमिनेट कर देंगे, इलिमिनेट डबल इन्वर्जन, ठीक है। हमने इलिमिनेट कर दिया डबल इन्वर्जन, क्योंकि दो इन्वर्टर है एक लाइन में, तो उसको हटा दिए। अब देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये देखिए इन्वर्ट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, नैंड, इन्वर्ट और इक्वल टू नैंड, और जो जैसे वैसे ही रहने दीजिए। तो फोर्थ स्टेप में ये बन गया नैंड, ये क्या हो गया इन्वर्ट और इक्वल टू नैंड, मैंने आपको लिखवाया था ये, और ये जो इन्वर्टर है उसको क्या बना देंगे, नैंड इन्वर्टर, क्योंकि आप जो सर्किट बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, नैंड से। ये बन गया, इतना बन गया, ये जैसे नैंड था उसको वैसे ही बना दिए,
ये इनपुट जैसे था वैसे ही लगा दिए, ये NAND हो गया, ये हट गया, ये वाला इतना बन चुका है, ये तो निकल गया, ये NAND है वैसे ही NAND बना दीजिए। और यहाँ पे ये जो NAND बन गया ये क्या होगा, इन्वर्टर की जगह NAND इन्वर्टर, ये बन गया, डिजाइन हो गया फाइनली। तो आपने देखा कि कोई प्रॉब्लम अगर हमें गिवन है इम्प्लीमेंट करना है कोई बुलियन फंक्शन को NAND गेट से, तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया, बेसिक सर्किट बनाए AND और NOT से, ठीक है, उसको हमने बेसिक सर्किट बनाया AND और NOT से उसको। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है कि हमें NAND गेट से बनाना था, तो हमने क्या किया कि AND के आउटपुट पे बबल लगा दिए और के इनपुट पे बबल लगा दिए। अगले स्टेप में क्या किया कि जहाँ जहाँ हमने बबल लगाया था उसको बैलेंस करने के लिए इन्वर्टर जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बबल लगाए थे तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ दिया, यहाँ पे बबल लगाया मैंने तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ दिया, यहाँ बबल लगाया था तो यहाँ इन्वर्टर जोड़ दिया, ये तो इन्वर्टर था ही पहले से, और यहाँ बबल लगाया तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ दिया, ठीक। अब ये दो इन्वर्टर थे तो इलिमिनेट कर दिए डबल इन्वर्जन, मैंने लिखवा बताया था आपको कि जहाँ दो इन्वर्टर एक साथ होंगे उसे हम इलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो डबल इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये इन्वर्ट और, ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था इन्वर्ट और इक्वल टू क्या होगा NAND, तो इन्वर्ट और की जगह हमने क्या रख दिया NAND, और जो इन्वर्टर थे उनको क्या बना दिया NAND इन्वर्टर, क्योंकि पूरी सर्किट होनी चाहिए NAND से, ठीक है, तो NAND इन्वर्टर हो गए, तो इतना बन गया। उसके बाद जो NAND गेट था ये वाला NAND गेट ए आ गया, ये इनपुट सी था सी आ गया, ये दोनों निकल गए, फिर ये वाला NAND गेट आ गया डी इनपुट था, और ये फाइनली इन्वर्टर था वो NAND इन्वर्टर आ गया, ठीक है। ये जो था आपको इसको इम्प्लीमेंट करना था NAND गेट से। अब मान लीजिए यही जो है NOR से हो, अच्छा हम इसका एक बार आउटपुट चेक कर ले रहे हैं आ रहा है या नहीं जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, जो है वही आएगा। देखिए ये ए बार हुआ, ये बी बार हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा ए बार इंटू बी बार का होल बार होगा या नहीं, ये देखिए एंड देन इन्वर्ट ए बार इंटू बी बार का होल बार, तो ये क्या हो गया ए बार का बार प्लस बी बार का बार, यानी ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी, और यहाँ एंड है इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी और उसका इन्वर्ट यानी होल बार, तो ए प्लस बी इंटू सी का होल बार इतना आ गया। अब देखिए ये जो है ए प्लस बी इंटू सी, और डी का हम लोग क्या कर रहे हैं एंड ले रहे हैं देन इन्वर्ट, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू सी का होल बार ये हुआ, और इंटू डी, इंटू डी ये तो हो गया आपका ये एंड देन इन्वर्ट, इस पूरे पे हमने क्या कर दिया इन्वर्ट लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया ये, और उसके बाद इन्वर्टर है तो ये एक और फिर ये लगा दिए, तो ये इससे हट जाएगा तो हमारे पास यही आ जाएगा ना ए प्लस बी इंटू सी का होल बार इंटू डी, वही तो आ रहा है, वेरीफाई हो गया यानी हमारी सर्किट सही है, ठीक है। अब हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे नॉर गेट से, किससे करेंगे नॉर गेट से, नॉर गेट ओनली। तो हमें जो प्रॉब्लम दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग नॉर गेट ओनली, तो नॉर गेट से हमें बनाना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें क्या करना होगा एंड ऑन नॉट से सर्किट बनाना होगा, तो पहला स्टेप तो कॉमन रहेगा सभी में। फर्स्ट स्टेप है तो फिर से मैं बता दे रहा हूं इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब हो गया और गेट, फिर इसका इसके साथ एंड होगा, ये एंड दिस, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू सी,
इसके बाद इसका पूरे का हमें क्या करना है, बार लेना, यानी एक इन्वर्टर लग गया। फिर ये पूरा आ गया, इसके साथ हम क्या करेंगे एंड। तो यहां पे हमने क्या कर दिया एंड, ये एंड डी। तो यह हमें मिल गया ए प्लस बी इंटू सी का होल बार इंटू डी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। कोई डिफिकल्टी, किसी को कोई डिफिकल्टी फर्स्ट स्टेप में? नो। पहले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड और नॉट से सर्किट डिजाइन कर ले रहे हैं। आपने देखा ये ए प्लस बी है तो और गेट आएगा, फिर इसका इसके साथ क्या है इनटू है तो हमारा कौन सा गेट आया, एंड गेट। ए प्लस बी यहाँ मिल गया इनटू सी, तो ये आ गया। अब इस ए प्लस बी इनटू सी का क्या है, होल बार है, तो इन्वर्टर आ गया, यानी यहाँ पे आ गया ए प्लस बी इनटू सी का होल बार। उसका हमें क्या करना है, डी के साथ एंड लेना है, मल्टीप्लाई, तो इसलिए एंड गेट आया। तो ये हो गया ए प्लस बी इनटू सी का होल बार इनटू डी। तो फाइनली हमारा ये एंड और नॉट से डिजाइन हो गया। अब हमें क्या करना है दूसरे स्टेप में, जो मैंने बताया था नॉर गेट से हमें इम्प्लीमेंट करना है। नॉर गेट से आपको बनाना है, तो स्टेप्स क्या हैं कि और गेट है तो और गेट के आउटपुट पे बबल लगा देंगे तो वो नॉर बन जाएगा, और एंड गेट के इनपुट पे बबल लगा देंगे तो वो नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, ये और गेट दिया हुआ है तो आउटपुट पे बबल लगेगा, एंड एंड के क्या होगा इनपुट पे बबल लगेगा, ये हो गया। सी जैसे था वैसे इनपुट, इनपुट जैसे था और के आउटपुट पे आ गया। फिर इसके बाद ये इन्वर्टर है वैसे ही रहेगा, ये एंड है तो एंड के इनपुट पे बबल लगेगा। ये F हो गया। सेकंड स्टेप समझ में आया, मैंने क्या किया और के आउटपुट पे बबल लगा दिया देखिए, और एंड के इनपुट पे यहां बबल ये देखिए, जैसे इनपुट थे वैसे दे दिए मैंने। अगला स्टेप क्या है, यहां तक हो गया, इन्वर्टर जैसे था वैसे ही उतार दिया, एंड के इनपुट पे बबल यहां बबल यहां बबल देखिए, ये दोनों बबल लगा दिए। ठीक है, और इनपुट जैसे था वैसे दे दिए, दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया कि ये तो नॉर गेट बन गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां हमने बबल लगाया है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर जोड़ देते हैं। आपने देखिए यहाँ पे बबल लगाया तो यहाँ इन्वर्टर जुड़ेगा इस लाइन में, यहाँ लगाए तो इसके वजह से एक और इन्वर्टर जुड़ेगा। उसी के बीच में लगाना, ये नहीं कि यहाँ बबल है तो यहाँ लगा देंगे इन्वर्टर, ये है तो आगे लगा दीजिए, ये है तो इसके पीछे लगेगा, आगे तो कोई जगह है नहीं, यहाँ पे आगे है इसलिए यहाँ पे लगाएं, ये है तो इसके पहले ही बबल लगेगा, बबल है तो इन्वर्टर, यहाँ पे आपने बबल ऐड किया तो यहाँ पे इन्वर्टर जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी इन्वर्टर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही रहेगा, बबल यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ दिए, ये जुड़ गया, और इसके वजह से एक इन्वर्टर जोड़ेंगे, ये देखिए एक तो इसके वजह से जुड़ा है एक इसके वजह से, तो ये जोड़ दिए और जैसे था सर्किट वैसे ही रहेगा। यहां पे बबल है तो यहां पे एक इन्वर्टर जोड़ेंगे, ठीक है, ये इन्वर्टर जैसे था उसको वैसे ही लिख दीजिए। यहां पे आपने बबल लगाए तो एक इन्वर्टर जोड़ना होगा, ठीक, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ये
एक बबल यहां भी लगा है तो यहां पे क्या आएगा, इन्वर्टर। और ये डी इनपुट जैसे है एफ हो गया, ठीक। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया हमने क्या किया, यहां पे बबल था इसकी वजह से एक इन्वर्टर जोड़ दिया इस लाइन में, इस बबल की वजह से हमने एक इन्वर्टर जोड़ा है यहाँ पे, ये बबल है तो यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ा, ये इन्वर्टर ऐसे, ये बबल है तो एक इन्वर्टर जोड़ दिया, देखिए ये बबल है तो यहाँ पे एक इन्वर्टर जोड़ दिया, ठीक। ये दो इन्वर्टर देखिए इलिमिनेट हो जाएंगे, ये दो इन्वर्टर देखिए इलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इलिमिनेट डबल इन्वर्जन, ठीक, ये दोनों निकल गए, ठीक है। ये तो नॉर गेट बन चुका है आप देख रहे हैं, और ये क्या होगा, इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर, और ये क्या होगा, इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर, ठीक है। तो लास्ट फाइनली हम सर्किट बना दे रहे हैं, फोर्थ वाला पॉइंट मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये देखिए नॉर गेट बन चुका है, इसको ऐसे ही बना दिए, ये ठीक, ये निकल चुका है, और ये क्या बन गया, इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर। तो ये नॉर बना दिए हम, देखिए ये नॉर, ये बन गया नॉर, ये तो निकल चुका है। ये देखिए एक इन्वर्टर है दूसरा इनपुट, तो उसको क्या बना देंगे, नॉर इन्वर्टर, क्योंकि सर्किट किससे है, नॉर से, तो इसलिए नॉर इन्वर्टर बना दिए, ये बन गया नॉर इन्वर्टर, इनपुट हो गया सी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये निकल चुका है, फिर ये नॉर बन गया, ये नॉर, और ये देखिए एक इन्वर्टर है तो नॉर इन्वर्टर, ठीक, और फाइनली ये एफ आ गया। तो ये सर्किट ड्रॉ होता है, ठीक है, नॉर से आपने देखा, नॉर से हमने पूरे जो लॉजिक गेट्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गए, नॉर में। तो फाइनली ये नॉर गेट से सर्किट आ गई है। हमने क्या किया, सिंपल, ये नॉर गेट बन चुका था, ये निकल चुका है, इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर बना दिए, ये इन्वर्टर बना दिए, ठीक है, इन्वर्टर था तो नॉर इन्वर्टर बना दिए, उसके बाद ये निकल चुका है, ये नॉर गेट हो गया, नॉर गेट बना दिए, इन्वर्टर था तो नॉर इन्वर्टर, ठीक है। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सही है या नहीं, ठीक। इसको अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, और वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं, अब यहां पे हम देखते हैं कि वेरीफाई कर लेते हैं हम, ठीक है। वेरीफाई के लिए हम ए प्लस बी का यहाँ होल बार हो जाएगा, नॉर गेट है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पहले और होगा फिर देन नॉट इन्वर्ट करेंगे, तो ए प्लस बी, ये क्या आएगा, ए प्लस बी का बार प्लस सी बार का होल बार, ये आया, यहां तक आया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, इसको और इसके साथ ऐड करना है डी बार, है ना, ये और ये, और फिर होल बार, ये हो गया, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, डिमॉर्गन थ्योरम लेंगे, प्लस किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू में, पहले आप अंदर वाला लगा सकते हैं, इसमें लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, फिर ऊपर वाला बाद में लगा दीजिए, या एक साथ ही लगा सकते हैं आप एक बार में, तो एक बार में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको पहले सॉल्व कर लें तो बाद वाला बाद में कर लेना। ये देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बार होल बार है,
तो ये बार इस पे आएगा और इस पे भी आएगा, तो इन टू में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, और प्लस डी बार का होल बार। मैंने ये वाला सॉल्व किया अभी, इसमें क्या किए कि ये जो बार था इस पे बार आया और इस पे बार आया, ठीक है, और ये प्लस इनटू में चेंज है, तो ये बार था तो ये बार पे बार हट गया, ये इनटू में चेंज हो गया और सी बार का बार सी हो गया, प्लस डी बार ऐसे ही होल बार। इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये देखिए, ये प्लस इनटू में चेंज हो जाएगा, ये बार इस पे आ जाएगा और इस पे आएगा, तो ये देखिए ए प्लस बी इंटू सी का होल बार इंटू डी, क्योंकि डी बार का बार क्या हो जाएगा, डी वेरीफाई हो गया। देखिए अगली प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम है ए नॉर से ही कर रहे हैं, मान लीजिए ए प्लस बी का होल बार इंटू सी बार प्लस ए बी, ये मान लीजिए है फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें इंप्लीमेंट करना नॉर गेट से, ठीक। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है एंड और नॉट से हम सर्किट बना लेंगे। देखिए इसको बना लीजिए, इसको फिर इसके साथ ये बना लीजिए। तो इसको हमने सॉल्व किया, पहले अंदर वाला तो ये ए प्लस बी है, तो और गेट आया, फिर ए प्लस बी सॉल्व हो गया, लेकिन हम इनटू नहीं ले पाएंगे, इसका फिर बार है, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दिया हमने, तो यहाँ पे मिल गया हमें ए प्लस बी का बार, इतना सॉल्व हो गया, ए प्लस बी यहाँ मिला, इन्वर्टर लगा दिया, ए प्लस बी का होल बार। इसके साथ हमें क्या करना है, सी बार इन्वर्टर, तो इसका एंड लेना है, ये देख रहे हैं ना इनटू में है, तो मतलब एंड आ गया यहाँ पे ये, और सी बार मतलब ये हो गया, देखिए सी बार ये बन गया, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको और इसके साथ जोड़ना है, तो ये ए बी है, तो यहाँ पे कौन सा गेट आएगा, एंड गेट, ए बी है तो एंड गेट ये आ गया। इसको और इसको हमें जोड़ना है, तो हमने क्या किया यहाँ पे और गेट लगा दिए, ये बन गया हमारा एफ। कोई दिक्कत, दूसरा स्टेप, पहले स्टेप में हम क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए पूरा, पहले ए प्लस बी को सॉल्व किए, तो ए प्लस बी ये आ गया, उसका होल बार था ए प्लस बी का, तो इन्वर्टर आ गया, तो यहाँ ए प्लस बी का होल बार हो गया। इसका हमें क्या करना, सी बार के साथ प्रोडक्ट लेना, यानी एंड गेट, तो ये इतना आया रहा था यहाँ पे, और सी बार ये देखिए सी भी है, तो सी बार यहाँ है, इन दोनों का एंड आ गया, ये पूरा आ गया। ए बी है तो ए बी के लिए कौन सा आएगा, एंड गेट, एंड गेट ये आ गया। अब देखो इसको और इसको हमें पूरे को जोड़ना है, तो ये है एक एक ये है, इन दोनों को जोड़ने के लिए और गेट, और गेट हम ले लिए। अब हमें बनाना है नॉर से, तो और के आउटपुट पे बबल और एंड के इनपुट पे बबल, ठीक है, ये और गेट है, तो और के आउटपुट पे बबल लगा दिए, इन्वर्टर जैसे था वैसे ही रख दिए, एंड है एंड के इनपुट पे बबल, ये और ये, और ये जैसे था इन्वर्टर वैसे ही, सी, और ये और गेट है और के आउटपुट पे बबल, ये एंड है एंड के इनपुट पे बबल, ए बी, ठीक है, ये हो गया एफ। दूसरा स्टेप बन गया, हमने क्या करना है कि नॉर गेट से डिजाइन करना है,
नॉर गेट से बनाने के लिए हमने क्या किया, और के आउटपुट पे बबल लगा दिए एंड के इनपुट पे। ये और था, देखिए आउटपुट पे बबल लग गया, इन्वर्टर जैसे था वैसे ही, ये इन्वर्टर जैसे ही, एंड के इनपुट पे बबल, तो देखिए यहाँ बबल, यहाँ बबल, दो इनपुट थे, ये बन गया। यहाँ और गेट है तो और के आउटपुट पे बबल लगा दिए, देखिए एंड है तो एंड के इनपुट पे बबल लगा दिए, ये देखिए इतना बन गया। थर्ड स्टेप पे चलते हैं हम, ठीक है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जहां जहां बबल लगाएं वहां पे इन्वर्टर ऐड कर देंगे। यहाँ बबल लगाएं तो यहाँ पे एक इन्वर्टर ऐड होगा, यहाँ बबल लगाएं तो यहाँ पे एक इन्वर्टर ऐड होगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक इन्वर्टर है पहले से, इसके वजह से हम लोग एक इन्वर्टर ऐड करेंगे। ये देखिए ऐड कर दिया मैंने, ये इन्वर्टर जैसे था वो वैसे ही रहने दो, इस बबल की वजह से एक इन्वर्टर ऐड करना होगा हमें, ठीक है। ये अब देखते हैं, ये वाला जो बबल है तो यहां पे एक इन्वर्टर ऐड करना होगा, ये इन्वर्टर पहले से आई उसको वैसे ही रहने देंगे, और एक इन्वर्टर और ऐड करेंगे, ठीक इतना बन गया। यहां पे आते हैं, यहां पे हम लोग और गेट है, यहाँ बबल है तो एक इन्वर्टर ऐड कर दिए, ये एफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट ये बना दिया मैंने, यहाँ दो बबल लगे तो एक इन्वर्टर यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ पे इन्वर्टर मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे भी एक इन्वर्टर जोड़ दिया, और यहाँ पे बबल, यहाँ पे बबल, ए बी, और इस वाले इनपुट को मैंने कहाँ दे दिया, ये जहाँ था देखिए इसमें आ रहा था ना वहीं दे दिया। तो तीसरा स्टेप आप देखेंगे मैंने क्या किया कि जहाँ जहाँ बबल ऐड किया था हमने वहाँ वहाँ इन्वर्टर जोड़ दिया उस लाइन में। यहाँ बबल ऐड था देखिए, तो यहाँ एक इन्वर्टर जोड़ दिए, ये वाला इन्वर्टर ऐसे ही रहेगा, फिर इस बबल की वजह से एक इन्वर्टर जोड़ दिए, ठीक। यहाँ पे देखिए बबल है तो एक इन्वर्टर यहाँ जोड़ेंगे, ये तो पहले से था, ये पहले से था, एक इन्वर्टर जोड़ दिए, इतना हो गया। यहाँ पे हमने बबल लगाया तो एक इन्वर्टर ऐड कर दिए, इस वाले में देखिए यहाँ पे हमने बबल लगाया तो एक इन्वर्टर यहाँ जोड़ दिए, यहाँ लगाए तो इस लाइन में एक इन्वर्टर यहाँ जोड़ दिए, ठीक है। अब हम फोर्थ स्टेप बनाते हैं और डबल इन्वर्जन एलिमिनेट कर देते हैं। ये देखिए ये डबल इन्वर्जन है, ये डबल इन्वर्जन है, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट डबल इन्वर्जन, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ स्टेप, ये नॉर गेट बन चुका है, ये नॉर गेट बन गया है, नॉर से बनाना था हमें, इनपुट जैसे था वैसे दे दिए, ये निकल चुका है, ये नॉर है, इन्वर्टर है तो उसको क्या बना देंगे, नॉर इन्वर्टर, ठीक। ये देखिए इन्वर्ट एंड, इन्वर्ट एंड इक्वल टू क्या होगा, नॉर, तो ये नॉर बन जाएगा, और ये निकल चुका है, और ये देखिए सी ऐसे ही आ गया। आगे ये जो है नॉर, ये नॉर है, और ये इन्वर्टर होगा, वो क्या होगा, नॉर इन्वर्टर, यहां पे देखिए ये जो है ये इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर गेट, इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर गेट, तो इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर, और ये इन्वर्टर है तो नॉर इन्वर्टर बना देंगे,
और ये जो है किसमें आया, इसमें आया ये, तो ये फाइनली सर्किट बन जाता है। लास्ट स्टेप में बता दे रहा हूँ, फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, ये नॉर गेट था, नॉर में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि हमें नॉर से बनाना है। डबल इन्वर्टर था उसको एलिमिनेट कर दिए, अब ये जो इन्वर्टर था उसको नॉर इन्वर्टर बना दिए। इन्वर्ट एंड इक्वल टू क्या हो गया, नॉर, तो इन्वर्ट एंड इक्वल टू नॉर, ये दोनों निकल चुके हैं तो खाली सी बचा। ये नॉर गेट है, नॉर गेट हो चुका, इन्वर्टर को मैंने क्या बना दिया, नॉर इन्वर्टर, क्योंकि सर्किट हम किससे बना रहे हैं, नॉर से। ये वाला है इन्वर्ट एंड इक्वल टू क्या हो गया, नॉर, और ये जो इन्वर्टर थे उसको क्या बना दिया, नॉर इन्वर्टर, और ये जो इनपुट था वो दे दिए। अब वेरीफाई कर सकते हैं ये सही है सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया है, आपने देखा कि अगर हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है यूजिंग नैंड या नॉर गेट से, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं सर्किट, आपने देखा है, नैंड से बनाना हो चाहे नॉर से बनाना हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।